दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का बीस प्रतिशत भोजन पर तथा शेष वेतन का एक चौथाई दान पर खर्च करता है यदि वह प्रति माह छियानवा सौ रुपए की बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर हो तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो दोस्तों तो हम क्या कर लेते दोस्तों मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना है माना मासिक वेतन मासिक वेतन कितना है उसका एक्स X. एक्स X है तो एक्स है मासिक वेतन यानी कि सो परसेंट है इसका बीस परसेंट वह भोजन पर खर्च करेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों ये बचेगा 80 परसेंट क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में सोती है ठीक है तो अब कह रहा है वो शेष वेतन का एक चौथाई दान पर खर्च कर देता है यानी कि शेष वेतन का एक चौथाई वो दान पर खर्च कर देता है तो बचेगा कितना चार में से एक जाएगा तीन बटा चार बचेगा क्योंकि यह भाग खर्च कर रहा वो तो तीन बटा चार बचेगा तो तीन बटा चार गुणा में कर देंगे फिर क्या कह रहा है भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है जो ये राशि खर्च कर दी ये उसके किसके बराबर है आधे के बराबर है आधे का मान एक बटा दो इक्वल में क्या है बचत कितनी करता है यह सब खर्च होने के बाद छियानवा सौ रुपए की बचत करता है उसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों इक्वल में लिख लेंगे तो अब इसको सोल्व करते हैं बीस चौक अस्सी बीस पंजे सो चार से चार कट हो जाएगा दोस्तों तो अब यह क्या हो जाएगा तीन से किस? इसको कट करेंगे हम तीन तीन नौ तीन दुणी छह बत्तीस सौ रुपए तो ये पांच और दो पाँच दूनी दस ये दस उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा क्योंकि साइड में बटे में है तो एक्स इक्वल टू बत्तीस सौ गुणा में दस यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास बत्तीस हजार रुपए क्या आ जाएगा उसका मासिक वेतन आ जाएगा दोस्तों एक्स का मान बत्तीस हजार रुपए हमने एक्स माना था मासिक वेतन यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट इसी तरह की ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके